मुबारक के ईद के दिन जो ईद मुबारक का बैनर लगा हुआ था धारावी होटल के ऊपर जो बैनर फटा, उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि उसमें सर साहब का फोटो था और मस्जिद अक्सा भी थी, बहुत था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने फिरोज भाई बम्बई अध्यक्ष स्टूडेंट विंग के उनको आवाज़ दिया, शामिल भाई को बुलाया, आज इन्होंने कार्रवाई की है और कुछ बात की है शामिल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये कंप्लेंट हमने धारावी पुलिस स्टेशन के जो सीनियर है पाटिल मैडम उनको दी और एसीपी साहब और डीसीपी साहब दोनों से बात हुई, आश्वासन मिला, एफआईआर की प्रक्रिया चालू हो गई है। क्योंकि जो सेक्शंस है, मामला आती है कि दंगा भड़काने की कोशिश थी, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर साहब का भी फोटो था, असद साहब का भी फोटो था और एन ईद की रात को ये किया गया ताकि ईद की नमाज में खलल हो और लोग आपस में लड़े। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फोटो की लड़ाई लड़ती नहीं, जैसे हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले भी कहा है कि किसी का फोटो हो ना हो, जमात का नाम होना चाहिए और सदर मोहतरम का फोटो होना चाहिए, वैसा आप बैनर लगाएं इतना काफी है। तो जो लोग ये बैनरबाजी की लड़ाई में अपने हद से ज्यादा गुजर गए हैं और जमात के अहदेदारों का जिम्मेदारों के फोटो को उन्होंने फाड़ा है, इंशाल्लाह वो एफआईआर हो गई है और अल्लाह ने चाहा तो वो जेल की सलाखों में हो बहुत जल्दी और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये सारी चीजें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, गफ्फार कादरी साहब, सबको ये चीज बता दी गई। फिरोज नौरंग साहब जो हमारे मुंबई स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट हैं, इनका ये बैनर था और इन्हीं के लेटर हेड पर ये कार्रवाई एफआईआर की कॉपी का किया गया। और जिला मजिस्ट्रेट का मेरे मेहमान है, तमाम मदरसे चाहने वालों को, तमाम उम्मत के मुसलमान को मेरा सलाम। ये जो हरकत हुई है, भले से ये हरकत हमारे मजलिस के रहने वालों ने की या बाहर वालों ने की, इंशाल्लाह इसका जवाब जरूर मिलेगा। मजलिस किसी के बैनर की मोहताज नहीं है और कोई मजलिस का बैनर उतारे ये हमें पसंद।